तो किस तरीके से देखते हैं आप आज 54वां दिन और आज हाटपुर जो है ट्राइबल इलाका बांसवाड़ा में रहे? बिल्कुल, आज 54वां दिन है और 12 बजे को खरगे जी और राहुल जी एक जनसभा को संबोधित करेंगे बांसवाड़ा में, राजस्थान में। अभी हम राजस्थान जा रहे हैं रैली के लिए और उसके बाद हम जालोड आएंगे दाहोद जिले में, गुजरात में, और दाहोद में रुकेंगे। तो कल का और आज का ज्यादातर आदिवासी इलाकों में ही रहा है 12 जोड़ो न्याय यात्रा। कल आठ तारीख है, 8, 9, 10 हम गुजरात में रहेंगे। 11 तारीख को ब्रेक होगा, एक विश्राम का दिन है 11 तारीख और 12 को हम धुले और नंदुरबार से शुरू करेंगे और 16-17 तक, जैसा कि मैंने पहले कहा है, मुंबई में एक इंडिया गठबंधन या जनबंधन की एक पब्लिक रैली होगी 17 तारीख। मतलब जो आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो समारोह, वो अंतिम समारोह है, फाइनल प्रोग्राम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, जो शुरुआत हुई थी 14 जनवरी को इम्फाल के पास तोबाल में, और इंडिया गठबंधन के कई नेता भी आए थे वहां। ऐसे ही इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता मुंबई में मौजूद होंगे और ये आखिरी रैली होगा 16 तारीख। ममता बनर्जी वगैरह सबको निमंत्रण दिया है, जो 26 पार्टियां हैं और भी पार्टी जुड़े हुए हैं, सबको निमंत्रण दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग आएंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने ताकीद भी करी है, कॉशस किया राहुल गांधी को, जो हाईकोर्ट की डायरेक्शन थी, उनको प्रधानमंत्री को कॉशन करना चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं कुछ कहते, गृहमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं कुछ कहते? और 7 महीने से हम विपक्ष पार्टियां टाइम मांग रहे हैं अपॉइंट इलेक्शन कमीशन से वीवीपैट को लेकर। ये निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, किसके इशारे पर चल रहा है ये? सर कैसे देखते तो प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोल सकते हैं, गृहमंत्री कुछ को जो जो चाहे मन चाहे वो बोल सकते हैं, उनको कोई नोटिस नहीं। आप कैसे देखते? ये निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हिम्मत दिखाए, प्रधानमंत्री को बोले कि उनका भाषा भी सही नहीं है, गृहमंत्री को बोले, सिर्फ राहुल जी को क्यों नोटिस देते हैं? और ये वीवीपैट को लेकर हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? 8 महीने हो गए, मई से हम टाइम मांग रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे, 15 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा है हमसे उनसे। सर इसके अलावा प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं वैली में, 370 हटने के बाद होगा कार्यक्रम, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पूरा तामझाम सरकारी तामझाम। हाँ बिल्कुल, धमकी देकर जबरदस्ती लोगों को लाया जा रहा है बख्शी स्टेडियम में। पर हमारे कुछ सवाल हैं प्रधानमंत्री से, आप 5 साल के बाद, 9 साल के बाद आप कश्मीर घाटी जा रहे हैं, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को यूटी बनाया गया, इसको पूरा राज्य का दर्जा कब वापस लौटाया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जम्मू और कश्मीर विधानसभा में चुनाव कब किए जाएंगे? आप कह रहे हैं सब सिचुएशंस नॉर्मल है, सब अभी शांति और अमन वापस आ गई है, तो चुनाव क्यों नहीं कराते विधानसभा के लिए? पंचायत के चुनाव कब कराएंगे? और पिछले आपने 2019 से बड़े धूम धमाके से आपने घोषणा की है, करोड़ों इन्वेस्टमेंट आया है, करोड़ों एमओयू साइन हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट, एक मिसाल दीजिए जो पिछले 5 साल में वहां प्रोजेक्ट लगा है और वहां के युवाओं को रोजगार मिला है। आज सीईसी है, क्या फाइनल हो पाएगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? सीईसी सभी सीटों पर बातचीत करेगी, जहां निर्णय लेने की स्थिति में है वो निर्णय, अंतिम निर्णय लेगी और ये जानकारी दी जाएगी। ऐसे कोई पहले कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सीईसी सर्वोपरि संस्था है जो कैंडिडेट के बारे में विचार करती है और उस पर निर्णय लेता है।